आप लेके आइए। तो मैं घर पे इनके सिल्वर स्टेट लेने गया, वहां पर मेरे को गालियां दी गई, तेरे को लड़कों से पिटवाऊंगी, गुंडों से पिटवाऊंगी और दहेज एक्ट का फेस लाऊंगी, फलाना ठिकाना सब कुछ किया ना, बहुत मेरी बेइज्जती की सबके सामने। मैं वापस आ गया, मैंने तो इतना प्रयास किया इनके काफी गया। सारी प्रॉब्लम यही है, आई एम राइट शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट ही इज रॉन्ग। ये राइट और रॉन्ग की कहानी जो है इसका कोई एंड नहीं। अब नो पुलिस नो कोर्ट मैडम। हाँ देखो भाई, कह दिया ना उन्होंने कभी नहीं, थोड़ा ऊपर देखो तुम तो, एकदम नीचे देख के ऐसा लग रहा है बहुत लाचार हो गए हो तुम। अभी एक बार कोशिश तो करो। शादी कब बनाई थी आपने? 2008 में। क्या करते हैं आप? BSNL। अच्छा मैडम, आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप कहाँ के रहने वाले? शादी 2008 में हुई थी। बच्चे भी होंगे? बेटी बेटी है बेटा? कहाँ पे है वो? मैडम के पास है। अच्छा क्या प्रॉब्लम है मैडम? कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो साथ में। सर मैंने इतने ट्राई कर लिया, फैमिली कोर्ट में कर लिया, कोर्ट में कर लिया, काउंसलिंग हो गई, घर पे ले गई, यहाँ तक कि मैंने सेक्शन 9 सबसे फर्स्ट मैंने लगाया था। सेक्शन 9 फर्स्ट जब मैंने लगाया था उस पर भी काउंसलिंग में इन्होंने बहुत झगड़ा किया। उसके बाद फिर कोर्ट के जज साहब ने कहा कि आप लेके आइए, तो मैं घर पे इनके सिल्वर स्टेट लेने गया, वहां पर मेरे को गालियां दी गई, तेरे को लड़कों से पिटवाऊंगी, गुंडों से पिटवाऊंगी और दहेज एक्ट का फेस लाऊंगी, फलाना ठिकाना सब कुछ किया ना, बहुत मेरी बेइज्जती की सबके सामने। मैं वापस आ गया, फिर मैंने सेक्शन 13 फाइल किया और एप्लीकेशन भी फाइल की, कंप्लेंट फाइल की। उसके बाद मैंने विड्रॉ कर लिया अपना सेक्शन 9। सेक्शन 13 में भी काउंसलिंग हुई, कई काउंसलिंग हुई, उसमें भी फिर मैं कोर्ट से लेके आया, डायरेक्टली अपने घर लेके गया कोर्ट से, फैमिली कोर्ट से। फिर उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर थाने चली गई। मैं मतलब बहुत मेरे को इतना हैरेसमेंट किया है, मैं 14-15 साल से सर जैसा परेशान जी रहा हूँ कि मैं ही जानता हूँ। मैं दूसरी बात कहता हूँ कि भाई ये लड़ाई झगड़े जो होते हैं इसको बियॉन्ड प्रोपोर्शन जो ब्लो अप किया जाता है ना, वो केवल कम्युनिकेशन गैप की वजह से होता है। तो मेरी तरफ से सर मैं, आप समझिए बात, दोनों आप पढ़े लिखे दिख रहे हो, अच्छे परिवार से दिख रहे हो, 14 साल लड़के क्या गेन किया तुमने ये बताओ। दोनों अभी भी लिटिगेशन के ही कॉइल्स में चल रहे हो। ये 14 साल जो निकल गए ये तुम्हारे वापस तो आएंगे कभी नहीं, ना आपके ना आपके। प्राइम पीरियड ऑफ मैरिड लाइफ आपने लिटिगेशन में निकाल दिया। सर मैंने तो इतना प्रयास किया कि अब ये सारी प्रॉब्लम यही है, आई एम राइट शी इज रॉन्ग, शी विल से आई एम राइट ही इज रॉन्ग। ये राइट और रॉन्ग की कहानी जो है इसका कोई एंड नहीं। तो जहां हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में कोई लॉजिक होता है क्या? ईमानदारी की बात बताओ, किसी को तो झुकना पड़ता है ना हमेशा। 2 मिनट शांत हो जाओ तू, अगर इफ शी इज हाइपर आप शांत हो जाओ, इफ यू आर हाइपर ये शांत हो जाए। सर सबसे बड़ी बात तो ये कि ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि इन्होंने आपके खिलाफ क्या किया, किस सिचुएशन में किया उसको तो सोचो। नॉर्मल कोर्स में कोई वाइफ अपने हस्बैंड को एम्बैरेस क्यों करेगी? नॉर्मल कोर्स Unless of course she was forced to marry, ऐसा दिख नहीं रहा है। ईश्वर की कृपा से तुम दोनों अच्छे दिख रहे हो, स्वस्थ दिख रहे हो। मेरा तो जो मेंटल ट्रॉमा से मैं गुजर रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, इस मेंटल ट्रॉमा का इलाज जो है थोड़ा सा अपने अंदर इलास्टिसिटी ले आओ। और मैडम आप भी, आप वाइफ हैं, थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखो कि कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां हैं। हर वक्त बहस में इन्वॉल्व होने के बजाय कभी शांत रहना भी सीख लो। कभी कभी
हो सकता है आदमी बाहर से काम करके आता है, ऑफिसर ने या बॉस ने डांटा हो तो गुस्सा आपको उतार दिया उसने, तो पहले समझ तो लो क्यों डांट रहा है वो आपको। फैक्चुअल एस्पेक्ट अलग चीज होती है, रीजंस क्या होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप तो आपकी किस्मत भी तो काम करती है शादी के बाद, सिंगल प्रयास नहीं किया ना इनने, इनके फादर ने कभी, लड़ने से कोई फायदा मिलेगा? आप कुछ सोचो, और ये लड़ाई में आप दोनों मोरे बन जाते हो, और जो लोग लड़ाई करने के लिए उकसाते हैं वो हेजेस में बैठे रहते हैं। इनको ये खुशी हो रही है कि मेंटेनेंस में इसमें अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, इसलिए इनको ये खुशी मिल रही है अच्छा। अरे भाई पैसा उतना ही क्यों, पूरी तनख्वाह लो रहा तो उससे यू मैनेज द हाउस, ही विल गिव यू द टायर सैलरी, पर थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा रखो कि घर का भी एक अच्छा वातावरण रहे। मदर फादर पे हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है अब वो थोड़ा बहुत कभी कभी हो जाता है, आफ्टर ऑल उसका भी यंग ब्लड है, तुम भी यंग हो, कभी कभी कुछ रिएक्टिव मोड में आदमी आ जाता है, लेकिन ऑल सडन डैम दोनों लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक दूसरे को समझते रहो पहले, और सबसे होना बहुत जरूरी है मैडम, रिएक्टिव होना अच्छी बात नहीं है, आफ्टर ऑल आपके हस्बैंड है, आप भी उनकी वाइफ है, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे को ट्रस्ट करना चाहिए और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, हर चीज आपके मुताबिक चलेगी ऐसा पॉसिबल नहीं है, एंड लाइक वाइज हर चीज के मुताबिक नहीं चलेगी, कहीं ना शादी है, इट्स अ मैटर ऑफ एडजस्टमेंट, हर घर में एडजस्टमेंट होता है, और अगर साथ नहीं रह सकते हो तो फिर जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो, तय कर लो भाई वंस फॉर ऑल, इतना पैसा दो जाओ हो जाए हो, बट ऐसी चीज दिख नहीं रही है, केवल समझ का फर्क है बस, ये दूसरे को समझने की कोशिश करो, कोई रीजन नहीं तुम साथ ना रह पाओ, लेकिन समझ से होना पड़ेगा, एरोगेंस से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी इज्जत इनसे है और इनकी शोभा आपसे है, समाज में आप दोनों को एक साथ देख के लोग एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए दोनों को एक दूसरे के लिए एयर कंसर्न के अलावा समझदारी से काम करना चाहिए। अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं? लेकिन ये इतना वादा करो कि आप उनको इनको इंस्टिगेट नहीं करोगे, और कोई नो न्यूसेंस नो नॉनसेंस, हस्बैंड है यू हैव टू रिस्पेक्ट हिम, you have to talk to him, कोई मसला है, ऐसा कौन सा मसला होता है कि जो बात करके सॉल्व नहीं हो सकता, बट बात करो ना, ये पुलिस की सब इधर ऐसे लोग करते हैं जो बिना पढ़े लिखे होते हैं, पुलिस में कंप्लेंट, आफ्टर ऑल हस्बैंड है तुम्हारा, गाली गलौज, डोमेस्टिक वायलेंस का जब कोई ऑर्डर मिला था 2012 में, मैडम आप इनको समझाइए, समझा करके अगर तैयार होंगी तब मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार ट्राई दे दूं। हाँ आप बहस करें 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 एक बेटी है इनकी एंड शी इज वेरी इंटेलिजेंट, सो यू शुड एट लीस्ट टॉक टू हिज डॉटर।
और कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा और वार्म अप करो उनको, ताकि वो तय, वो बहस करो जितनी बहस कर सकते हो। यानी जो चीज समझ, जो चीज कहीं इसको हो रहा होगा, वो वकील साहबान लोग जो है, अरे घबराते क्यों हो।